पूरे पूर्वांचल का तापमान आज जबरदस्त रहा, सियासी तापमान का पारा जबरदस्त उठान पर रहा और छठे चरण का तो अब सिर्फ इंतजार बाकी है। मोदी 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 मोदी। छठे चरण के चुनाव में जोरदार छक्के लगेंगे। छठवें चरण में यहाँ की जनता भारतीय जनता पार्टी को छांट देगी। यूपी के चुनाव का छठा दौर फाइनल से पहले वाले सेमीफाइनल जैसा है, क्योंकि इस चरण में जो भी बढ़त बनाएगा उसके लिए सातवें दौर की राह आसान हो सकती है। छठे दौर में कई ऐसे जिले हैं जहां सियासी दलों की सीधी नजर है, फिर चाहे वो गोरखपुर हो या बलिया, बलरामपुर हो या बस्ती, ये ऐसे जिले हैं जहां की ज्यादा से ज्यादा सीटें जीतने पर जोर दिया जा रहा है, लेकिन होगा वही जो जनता चाहेगी। रोजगार है, बेरोजगारी है, विकास के मुद्दे पे सब लोग वोट करेंगे। विकास जो भी पिछले 5 साल में हुआ है या फिर जिन लोगों को, जो लोग सहमत होंगे वो पक्ष में वोट करेंगे, जो लोग असहमत होंगे वो विपक्ष में वोट करेंगे। मोर जनता कर रही है आपके न्याय व्यवस्था पे और पुलिस के जो काम अच्छे से हो रहे हैं उन पे, प्लस विकास हुआ हर तरीके से, एक्सप्रेसवे बने हैं, एम्स खुला है गोरखपुर में और पूर्वांचल एक्सप्रेस खुला है, गोरखपुर की एक्सप्रेस खुला है, चीनी मिल खुले हुए हैं। हम विकास के मुद्दे पे वोट कर रहे हैं, पार्टी जो अच्छा काम कर रही है उसको वोट करेंगे हम। विकास पे विकास हुआ क्या? हाँ, विकास अच्छा खासा हुआ है, बहुत अच्छा विकास हुआ है। चक्रव्यूह का छठा द्वार इसलिए भी अहम है क्योंकि इसमें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की परीक्षा होनी है। सीएम योगी गोरखपुर की शहर सीट से मैदान में हैं, लेकिन उनके ऊपर सिर्फ अपनी सीट ही नहीं बल्कि गोरखपुर की सभी 9 सीटें जिताने की जिम्मेदारी है। गोरखपुर में सेंध लगाने के लिए इस बार समाजवादी पार्टी ने भी कोई कसर नहीं छोड़ी है। छठे दौर में उन इलाकों में वोटिंग होनी है जहाँ पिछली बार भाजपा ने प्रचंड जीत दर्ज की थी, लेकिन इस बार चुनौती बहुत बड़ी है। देखिए, एक तो हिंदुत्व का मुद्दा है, ठीक है ना, मैं हिंदुत्व के मुद्दे पे जाऊंगा। दूसरा, विकास जो हमारे गोरखपुर में, जो मैं यहाँ रहता हूँ, मुझे क्या सबको विकास दिख रहा है और किस तरह से हर मोहल्ले, हर सड़क पे और मेन शहर से लेके गांव तक ये धीरे धीरे विकास की तरफ बढ़ रहा है, वो भी एक हमारा एक मुद्दा है। वोटिंग विकास के मुद्दे पर किया जाएगा और जो अपराध यहाँ कम हुए हैं, काफ़ी सुख शांति है, बिजली की व्यवस्था अच्छी है, इन मुद्दों को ध्यान में रख के और सुविधाएं बढ़ रही हैं इस ध्यान में रख के ही वोटिंग की जाएगी। वहीं जो काम हम कराते हैं, जैसे रोड बनवाते हैं, लाइट 24 घंटा रहता है, माने हॉस्पिटल में जाना है तो एम्बुलेंस का सुविधा हो, और दूसरा क्या चाहिए हम लोग का सुविधा चाहिए। छठे दौर में कई मंत्रियों की भी परीक्षा होनी है। बलिया से लेकर बलरामपुर तक कई मंत्रियों की साख दांव पर है, साथ ही दांव पर कुछ दिग्गजों की भी सियासी साख है जिन्होंने क्षेत्रीय पार्टी बनाकर बड़े बड़े दावे किए हैं, फिर चाहे वो संजय निषाद हों या फिर ओपी राजभर। पूर्वांचल के इन दोनों धुरंधरों की परीक्षा का वक्त आ चुका है। एबीपी गंगा के लिए ब्यूरो रिपोर्ट।